हेलो, वेलकम टू करियर स्टडीज। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखा है कि यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 मिलीग्राम होगा। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसमें जानकारी आपको होनी चाहिए। 1 मीटर क्यू में 1000 लीटर होता है, यानी आपके छत पे अगर कोई टंकी बनी है जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा अगर है कोई टंकी, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होता है। इसका मतलब होगा कि 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको मिलीलीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1000, यानी कितना, 1000 मिलीलीटर। लेकिन ये 3 बार है, पावर 3 है, तो 1000 मिलीलीटर इंटू 1000 मिलीलीटर इंटू 1000 मिलीलीटर मिलीलीटर क्यूब हो जाएगा फिर, है ना, इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 से 1 1000 कट गया, यानी हो गया 10 का पावर 6 मिलीलीटर 1 लीटर। और 1 लीटर कितना है? 1 लीटर बराबर 1 केजी है, लिखा हुआ है। 1 लीटर पानी का वजन कितना है? केजी बराबर इतना, 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम, आप ये समझिए, समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं मैं बार बार। तो ये हो गया 1000 मिलीलीटर क्यूब, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 3 जीरो कट जाएगा, यानी 10 क्यूब मिलीलीटर मिलीलीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम हुआ। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम का मतलब क्या हो गया? इसमें 10 से और डिवाइड करेंगे तो इधर भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 100 मिलीलीटर क्यूब बराबर 0.1 ग्राम। और 100 मिलीलीटर क्यूब इसका आंसर हो गया कितने घन मिलीलीटर? तो आंसर आपका कितना हो गया, कितने घन मिलीलीटर? तो 100 आंसर हो गया इसका, 100। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया 100 मिलीलीटर क्यूब। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ये स्टैंडर्ड है इसलिए आपको याद होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते। ठीक है, ओके।